पावर ऑफ द लैंड। हेडिंग डाल लेंगे भाई सभी लोग। और मैं आपको बता दूं, ये अपने टॉपिक का, ये अपने चैप्टर की लास्ट हेडिंग है ना। तो ये अपने प्रॉफिट है कि भाई अपना ये चैप्टर आज इस वीक समाप्त हो रहा है, ठीक है। उस पावर ऑफ अ लेंस का मतलब क्या है, बहुत ध्यान से समझो, ठीक है। तुम्हें पता है कि कॉन्वेक्स लेंस को मैं एक और नाम बोलता हूँ, कोई बताएगा व्हाट इट इज कॉल्ड? कन्वर्जिंग लेंस। बहुत बढ़िया, इसको अपन बोलते थे कन्वर्जिंग लेंस। देख इसका ऐसी रफ डायग्राम बनाऊंगा मैं, जिसमें मैं तुम्हें बताऊंगा कि देखो भाई ये था वो कन्वर्जिंग। बताओ भाई क्या यही था वो कन्वर्जिंग, है ना। अपन ने बोलता कि भाई वो कन्वर्ज हो। और सेम कॉन्सेप्ट आपका डाइवर्जिंग में भी था, जिसमें डाइवर्जिंग में अपन ने ऐसा कुछ रफ डायग्राम बना रहा हूँ, कि देखो ऐसे ऐसे कुछ थी और ये सबकी सब कोई पॉइंट फोकस पे मिल रही थी, है ना। तो ये मैंने ऐसी रफ डायग्राम बनाया। तो भैया आपने डायग्राम बना के क्यों टाइम पास किया, तो अब इसको ध्यान से समझो भाई, ठीक है। ये जो लेंस है ना भाई, ये लेंस मतलब बताओ, इसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी पावर है ना। म्यूट कर लो। इस लेंस के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी भाई साहब पावर है, और इस पावर की वजह से इसने क्या किया, जो लाइट रे सीधी जा रही थी, जिन्हें कोई टेंशन नहीं थी, जिन्हें पता था भाई मेरे को आगे जाना है, कोई दिक्कत नहीं, उन लोग ने अपने अपनी जाने वाले रास्ते को चेंज कर लिया। समझ रहे हो भाई, मतलब कितनी कोई ताकत है इनमें भाई, जिस वजह से कि इन लोग ने अपनी बदल ली। जैसे तुमको भी भाई, मान लो तुमको बोला गया भाई पढ़ाई करनी पढ़ाई करनी पढ़ाई करनी, लेकिन यही नेटफ्लिक्स दिख गया तुम्हें, नेटफ्लिक्स दिख गया तुम्हें, गेम्स दिख गए तुम्हें, पबजी दिख गया। तो बताओ क्या तुम अब सीधे पढ़ाई करते जाओगे कि ऐसे मुड़ जाओगे कि अरे गेमिंग खेल लो मजे जिंदगी के जियो, क्या पढ़ाई लिख रहे। हाँ तो वही है भाई पावर, मतलब पावर ऑफ अ लेंस ये बताता है कि भाई कितनी ताकत है तुम्हारे पास कि तुम जो लाइट रेस सीधी जा रही थी उनको टर्न कर लो और इस पॉइंट पे ले आओ। किस ताकत से तुम कर सकते हो, ताकत में तुम्हें कितना टाइम लगेगा भाई इन सबको एक बार में पूरा फोकस में कन्वर्ज करने या डाइवर्ज। तो इसी ताकत को अपन बोलते हैं पावर ऑफ अ लेंस। बताओ भाई किसी को डाउट है पावर ऑफ अ लेंस की आसान सी डेफिनेशन, मतलब में क्या होता है पावर ऑफ अ लेंस, है ना। इसको डेफिनेशन से लिख लेंगे, एक डेफिनेशन लिखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। तो लिखो द पावर ऑफ अ लेंस, सिंपल डेफिनेशन, मतलब कितनी ताकत से कन्वर्ज कर पाए या कितनी ताकत से डाइवर्ज कर पाए। तो क्या बोला मैंने, मैंने बोला द पावर ऑफ लेंस इज अ मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ लाइट रेज फॉलिंग ऑन इट, ऑफ लाइट रेज फॉलिंग ऑन इट। तो ये है भाई आपका पावर ऑफ अ लेंस भाई। तो अभी तो ठीक है, पावर ऑफ अ लेंस में समझ गया कि कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस की पावर, उसकी शक्ति को मैं बोलता हूँ पावर ऑफ अ लेंस, ठीक है। लेकिन यार इससे मैं क्या फायदा कर लूं, मेरे को न्यूमेरिकल आएंगे तो क्या मैं कुछ, ये मैं क्या कैसे पता करूंगा कि भाई कौन ताकतवर है कौन कैसा क्या है। तो मैं तो कौन ना लाइट रेस को देखता फिरूंगा। तो साइंटिस्ट ने बोला ठीक है हम तुम्हें एक और डेफिनेशन देते हैं। तो लिख लो भाई द पावर ऑफ अ लेंस, द पावर ऑफ द लेंस इज डिफाइंड एज, अब ये डेफिनेशन मेरे काम की। The power of a lens is defined as, the power of a lens is defined as the reciprocal of, ध्यान से सुनना, is defined as the reciprocal, spelling मैंने लिख दिया किसी को पता ना, is defined as the reciprocal of its focal length, is defined as reciprocal of its focal length in meters. This is very 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 important. फोकल लेंथ मुझे मीटर्स में ही चाहिए, अगर तुम सेंटीमीटर में दोगे तो मुझे कन्वर्ट करना होगा। तो मैंने क्या बोला, एक बार फिर से बोलेंगे, मैंने बोला द पावर ऑफ अ लेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ इन मीटर्स, खत्म। मतलब भैया ये सब हटाओ, मतलब क्या है भाई, काम की चीज बताओ। तो काम की चीज ये है कि जो पावर ऑफ अ लेंस है, जिसको मैं कैपिटल पी से डिनोट करता हूं, उसका फॉर्मूला हो गया 1/f। यहाँ पे f हमेशा मुझे मीटर्स में चाहिए होगा। सो सिंपल, मतलब पावर ऑफ लेंस मैं कैसे निकालूंगा, मैं तो ना लाइट रेस देखने बैठूंगा, मेरे पास इतना टाइम नहीं कि भाई मैं लाइट रेस को ऑब्जर्व कर रहा, उसको कंपेयर कर रहा कि उसने कितना कन्वर्ज करा कितना डाइवर्ज, नो इतना वेला नहीं हूं। तो मैं तो क्या करूंगा, मैं तो जस्ट उसकी फोकल लेंथ निकाल लूंगा और 1/फोकल लेंथ कर दूंगा।
और जो भी मेरे को वैल्यू मिलेगी वही उसकी होगी पावर। सिंपल मैन बताओ, किसी को डाउट है भाई इस वाली चीज में? प्लस माइनस हो सकती है ना, क्योंकि फोकल लेंथ तो होती है प्लस माइनस। हाँ वो बिल्कुल सही, फोकल लेंथ अपन जानते हैं किसी की प्लस होती किसी की नेगेटिव, इसलिए पावर भी प्लस नेगेटिव, प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है। तो आप क्या तो लिख सकते हो, जैसे फोकल लेंथ 10 हुई तो पावर उसकी 0.1। हाँ बिल्कुल सही, अभी अपन क्वेश्चंस करेंगे अभी तुम्हें क्लियर भी होता जाएगा। ये फोकल लेंथ हमेशा मीटर में ही निकलती है इस फॉर्मूले के अंदर। हाँ बिल्कुल सही, ये अपन ने फिक्स कर दिया है। ठीक है भाई, तो लिख लो भाई। सबसे पहले तो सबसे पहली चीज मैंने क्या बोली है कि पावर कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। और बताओ क्या जीरो भी हो सकती है? क्या तुमने कभी सुना है कोई बोलता है यार मेरे चश्मे की पावर जीरो है? किसी ने सुना है ऐसा भाई? हाँ जीरो भी होती है भाई। कुछ लोग क्या शौकिया लगाना चाहते चश्मा, उनको लगता है हम थोड़े पढ़े लिखे टाइप्स लगेंगे, थोड़ा एजुकेटेड टाइप लगेंगे तो लोग लगाते हैं भाई। भैया पहले मैं लगाता था ये। हाँ भाई, तो वो जीरो पावर का चश्मा लगाते इसलिए बोलते जीरो पावर। अगर तुम में से भी किसी को शौक है यार मुझे चश्मा लगाना, थोड़ी ऑल टाइम नहीं लगाना है लेकिन जैसे कभी अच्छा कुछ दिखने के लिए कोई थोड़ी क्या ऐसा। हाँ भाई बिल्कुल, तो अगर तुम ऐसे कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो तो तुम घर वालों से जिद कर सकते हो कि हमें एक जीरो पावर का चश्मा दिला दो, तो भाई आप इंजॉय कर सकते हो ये वाली चीज। ठीक है, तो पावर कुछ भी हो सकती, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी जीरो भी। ठीक है भाई, पावर का यूनिट क्या है, किस में नापते हैं भाई? तो पावर इज मेजर्ड इन, या ऐसा यूनिट आप जो भी चाहो लिख सकते हो, इसका यूनिट होता है डायोप्टरी। स्पेलिंग देखो क्या है, स्पेलिंग है डी आई ओ पी टी आर ई, ये है भाई। अब इसको आपको जो भी प्रोनाउंस करना आप कर सकते हो, मैं स्पेलिंग पर्पस से इसको प्रोनाउंस करता हूँ डायोप्टरी टी आर ई। तो पावर क्या, इसको किसमें नापते हैं भाई? डायोप्टरी में, और चाहो तो ब्रैकेट में लिख लो कैपिटल डी। तो अभी मैं न्यूमेरिकल्स करूंगा तो मैं अपने आप क्लियर हो जाएगा कि अपन को इसका कैसे यूज करना। तो कैपिटल डी से डिनोट करता हूँ उसके पावर के यूनिट को, सो सिंपल। तो तुम्हें क्वेश्चन आ सकता है, आगे बढ़ने के पहले क्वेश्चन आ सकता है डिफाइन वन डायोप्टरी, है ना? बार बार अपन ने देखे हैं ऐसे इलेक्ट्रिसिटी में भी बहुत सारे क्वेश्चन है ना, तो ऐसे करके ये भी आ सकता है। तो वन डायोप्टरी क्या है भाई, देखो ध्यान से, वन डायोप्टरी इज द पावर ऑफ द लेंस हूज फोकल लेंथ इज वन मीटर। खत्म, बताया था सब कुछ वन हो जाता है, हूज फोकल लेंथ इज वन मीटर। तो बताओ किसी को डाउट है भाई वन डायोप्टरी की डेफिनेशन? वन डायोप्टरी मतलब ये पावर वन कब होगी? देखो था नहीं, जब फोकल लेंथ वन होगी तो वन अपॉन वन वन हो गया, तो वन डायोप्टरी इज द पावर ऑफ द लेंस हूज फोकल लेंथ इज वन मीटर। खत्म, किसी को डाउट है भाई तो पूछ लो जल्दी से बताओ। किसी को डाउट? नहीं भैया। हाँ भाई कूल, तो चलो अपना ये हो गया ना। अब अपन एक काम करते, क्वेश्चन देखते कि भाई पावर पे आते कैसे हैं क्वेश्चन, फिर अपन आगे बात करेंगे। ठीक है, और फिर अपन आगे ये भी बात करेंगे कि यार भैया हम लोग तो चलो एक ही टाइप का चश्मा लगाते, जैसे मेरे को दूर का नहीं दिखता तो मैं एक टाइप का चश्मा लगाता हूँ। ठीक है, फिर कुछ लोगों को पास का नहीं दिखता, जैसे अपने मम्मी पापा लोग को कभी वो न्यूज़पेपर वगैरह टाइम रीड करते टाइम ही बस लगाते हैं, बाकी टाइम वो नहीं लगा। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको तो दोनों ही नहीं दिखता है, ना दूर का ना पास का। तो अगर तुमको याद है उनके नीचे कुछ कुछ लगा रहता है, उनके में ऐसा गोला कुछ रहता है उनके, भैया वो दूर पास दोनों के रहते हैं। हाँ बिल्कुल, तो अपन इसके बारे में पता करेंगे ये लोग ने किया क्या, ये दो दो पावर साथ में कैसे आई, तो अपन आगे देखेंगे। लेकिन उसके पहले कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, तो फटाक से लिखेंगे भाई फर्स्ट न्यूमेरिकल। बहुत बढ़िया, अभी हम सारी चीजें क्लियर करेंगे, उसके बाद भी तुम्हारे पास डाउट है एट द एंड तो तुम पूछ सकते हो। तो लिखे भाई पावर का फर्स्ट न्यूमेरिकल, लिखे अ कॉन्वेक्स लेंस इज ऑफ फोकल लेंथ, अ कॉन्वेक्स लेंस इज ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, व्हाट इज द पावर? अ कॉन्वेक्स लेंस इज ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, व्हाट इज द पावर? हाँ भाई, तो पहला क्वेश्चन है, मैं करके दिखाऊंगा जिसका आप भी का कोई टेंशन नहीं, आप यहाँ देखो। सवाल है कॉन्वेक्स लेंस इज ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, तो देखो मैंने फोकल लेंथ लिख दी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा अब ध्यान से देखो, यहाँ तुम्हें अपना थोड़ा नॉलेज लगाना पड़ेगा। पहले मुझे दिया गया है कॉन्वेक्स लेंस, तो कॉन्वेक्स लेंस का डायग्राम रिवाइज करो मन में, और तुम बताओ इसका फोकस कैसा होता था? पॉजिटिव, ये पॉजिटिव होती है फोकल लेंथ। बहुत बढ़िया, इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है इसलिए इसका पे आएगा प्लस 10। किसी को डाउट है भाई इस वाले कॉन्सेप्ट पे तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो ये फोकल लेंथ होगी। लेकिन किंतु परंतु अब भी अपन ने डेफिनेशन लिखी है पावर की, और पावर की डेफिनेशन बोलती है कि 1/f होता है, जहां पे f हमेशा मीटर्स में होना चाहिए, और तुम मुझे सेंटीमीटर में दिए हो f, इसलिए स्टेप वन रहेगा इसको डिवाइड करो 100 से। ठीक है, अगर आपको पता नहीं हो तो यहाँ मैं रिश्ता लिख दे रहा हूँ। हाँ, 1 meter इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो बस यहाँ से सॉल्व होके आ गया 0.1 meter। अब खत्म सवाल, अब कुछ नहीं करना है।
बस इस एफ की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो एंड यू विल गेट योर आंसर। सिंपल, कितना हो गया 1/0.1, ये 0.1 हटा तो आ गया 10, और तुम्हें पता है इसका यूनिट क्या है, डी, तो इसलिए मैं लिखूंगा पॉजिटिव होगी भी है वो दा। और ये प्लस लिखना पड़ेगा, तुमने देखो होगा चश्मे के आगे मतलब तुमको पावर, हाँ ये जरूरी है लिखने के, कभी नेगेटिव भी आएगा तो यही प्लस माइनस ही तो बहुत कुछ बताता है, तो पहले तुम लिख लो फिर अपन आगे बढ़ेंगे। तो प्लस 10d ये मतलब जिसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव तो भी उसकी पावर भी पॉजिटिव। हाँ बिल्कुल, ये देख लो प्रूफ भी हो गया, इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव उसकी पावर पॉजिटिव। तो क्या मैं कुछ ऐसा डायलॉग नहीं बता सकता यार अपने लिए नोट करके, पहला पॉइंट कि कॉन्वेक्स लेंस की पावर कोई बता सकता है हमेशा कित कैसी आएगी, ये हमेशा पॉजिटिव होगी। हाँ यार क्यों, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस हमेशा फोकल लेंथ पॉजिटिव रखा है, क्योंकि वो हमेशा पॉजिटिव है तो सॉल्व होने पे पॉजिटिव आएगा, इसलिए कॉन्वेक्स लेंस की पावर हमेशा पॉजिटिव। तो कोई बता सकता है कॉन्वेक्स मिरर की भी होगी पॉजिटिव या कॉन्केव की हमेशा नेगेटिव होगी? बहुत बढ़िया, कॉन्केव लेंस, कॉन्केव लेंस की पावर हमेशा क्या रहेगी, नेगेटिव। तो ये नोट करके आप लिख सकते हैं यार, टॉपिक की पावर ऑफ लेंस है, लेंस का टॉपिक। हाँ भाई तो लिख ले फटाक से, तो कॉन्वेक्स लेंस की पावर हमेशा पॉजिटिव, कॉन्केव लेंस की पावर हमेशा नेगेटिव, ये मेरे को अभी प्रूफ भी हो गया। अब चलो भाई अगला क्वेश्चन करेंगे, तो लिखे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन सभी लोग, ठीक है। हाँ मेरे भाई इसमें मैंने ब्रैकेट में मेंशन भी कर दिया। यहाँ देखो भाई सभी लोग, कोई मुझे बताएगा ये प्लस साइन, अगर लिखा हो प्लस साइन तो इसका मतलब ये कौन सा टाइप का लेंस है, बताओ भाई। ये ध्यान में रखना मेरे भाई, ये आपको पूछा जाने वाला है क्विज में, ठीक है। तो आप ये बात ध्यान में रखना, कॉन्वेक्स लेंस की पावर हमेशा पॉजिटिव आएगी। तो अगर मैं बोलूं कि आई हैव अ स्पेक्टिकल्स ऑफ पावर प्लस 2 पॉइंट, या कॉन्वेक्स लेंस है आपके, बोलने तो दे, नाउ आई हैव अ पावर ऑफ प्लस 2.8d, जैसे मैंने बोला प्लस, तो प्लस मींस कि भाई मेरे, मैं यहाँ पे लगाया हूँ ये जो है मेरा चश्मा, ये कॉन्वेक्स लेंस का, ठीक है, ध्यान में रखना भाई साहब, ठीक है। चलो भाई अब आगे बढ़ेंगे अपन, तो अब नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, अ पर्सन हैविंग अ मायोपिक आई, अ पर्सन हैविंग अ मायोपिक, अगर किसी को टर्म नहीं पता है मायोपिक का मतलब क्या होता है तो मैं आपको बता देता हूँ, मायोपिक का मतलब ऐसी आंख जिसको दूर का नहीं दिखता, ठीक है। तो अगर आपको दूर का नहीं दिखता तो आप बोल सकते हो कि आपको मायोपिया है, पास वाले हाँ भाई आपको, अपन सबको मायोपिया है, और जिसको पास पास का नहीं दिखता है उसको हाइपर मेट्रोपिया है, ठीक है, हाइपर HYPERMETROPIA, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि NTSC में पूछा गया है, ठीक है। तो भाई जिसको पास का नहीं दिखता उसको पूछ लेते हैं, है ना, तो जो आपका पास, जो आपको दूर का नहीं दिखता उसको मायोपिया है उसको, और जिसको पास का नहीं दिखता उसको हाइपर मेट्रोपिया, ठीक है। और एक ऐसी जीके का अगर जानना हो तो बता देते, जिसको दोनों नहीं दिखता उसको बोलते प्रेस बायोपिया, ठीक है। तो भाई ये सीन है, चलो अभी अपन आगे बढ़ेंगे विदाउट एनी टाइम वेस्ट, तो क्वेश्चन लिखेंगे फटाक से जो अपन लिख रहे हैं। क्वेश्चन था आपका अ पर्सन हैविंग अ मायोपिक आई, मायोपिक आई, अब ध्यान से बताओ यू आर, अच्छा पहले क्वेश्चन का लिख दो उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अ पर्सन हैविंग अ मायोपिक आई यूजेस अ कॉनकेव लेंस, यूजेस अ कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर, यूजेस अ कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर, फुल स्टॉप, तुम्हें पता है सवाल क्या है, वॉट इज द पावर ऑफ द लेंस, जिसका आ जाए हाथ उठा लेगा, वॉट इज द पावर ऑफ द लेंस, गिव अ ट्राई, सो सिंपल। ध्यान रखना इसके न्यूमेरिकल्स भाई, इसके क्विज में क्वेश्चंस आने की चांसेस बहुत ज्यादा है। पूरा आपने, अरे यार एक बार में बिल्कुल नहीं सुनता है, कॉनकेव लेंस। चलो भाई यहाँ देखो भाई, इसने वाला न्यूमेरिकल कैसे किया, जिसको बनना नहीं था उसके लिए जल्दी से मैं कर देता हूँ। सवाल था मेरे को फोकल लेंथ दी गई थी 50, और तुम्हें पता है क्योंकि भाई साहब ये कॉनकेव लेंस है, और तुम्हें पता है कॉनकेव लेंस में बताओ फोकल लेंथ कैसी होती है, फोकल लेंथ माइनस होगी, हाँ फोकल लेंथ नेगेटिव। और अभी भी मैंने लिख भी लिया था यहाँ नोट करके कि कॉनकेव लेंस की पावर हमेशा नेगेटिव आएगी, तो भाई यहाँ से भी कंफर्मेशन और हो गई। तो पावर होता है 1/f, तो 1/-50 क्या मैं लिख दूं या कुछ सुधार कार्य करना है मुझे, भैया मीटर में बदलो भैया, 0.5 भैया, उसको मीटर में कन्वर्ट करना है। बिल्कुल सही, सबसे पहले भाई साहब आप 100 से डिवाइड कर लो, 100 से क्यों कर रहे, तुम्हें पता चल गया होगा ये हो जाएगा -0.5 m, और अगर ये -0.5 m है तो यहाँ पुट कर दो,
ये पॉइंट हटा 10, 5 टू 10, तो माइनस 2d ये आ गई भाई तुम्हारे पास पावर। ओरल क्वेश्चन था ना भाई, बिल्कुल ओरल क्वेश्चन था। बताओ किसी को कष्ट है अगर तो पूछ सकता है, किसी को डाउट नहीं है भैया? नहीं है, ये बहुत इजी टॉपिक है भैया, ये भाई बहुत इजी टॉपिक है, इसलिए है ना सिंपल है, तो आपको न्यूमेरिकल्स आएंगे तो आपको समझना पड़ेगा भाई साहब, ठीक है, कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं ना, तो ध्यान में रखना। अच्छा देखो भाई, जिसको अगर किसी को क्वेश्चन प्रिपेयर हो गया तो एक बार फिर से देख लो, क्वेश्चन में था मायोपिया है तुम्हें, मायोपिया का मतलब मैंने तुम्हें क्या बताया, तुम्हें दूर का नहीं दिखता है ना, अगर तुम्हें दूर का नहीं दिखता तो अब तुम बता सकते हो जिसको भी दूर का नहीं दिखता वो अपने चश्मे में कौन सा लेंस लगा के आपका कॉनकेव लेंस लगा के बैठा है बेटा, अब ये रटो नहीं, मतलब समझ लो, याद में रखना मेरे भाई, है ना, मतलब अब जब भी कोई तुम्हें बोले ना भाई तुम कौन से मिरर पहन, तुम कौन सा ये चश्मा पहन, कौन सा लेंस है तुम्हारे चश्मे में, तो तुम बिल्कुल उसको बोल सकते भाई हमें कॉनकेव लेंस है भैया, जिसको दोनों का नहीं दिखता उसको क्या कौन सा लेंस लगेगा, उनके लेंस मिक्स कर दिए जाते हैं, जो अभी अपना अगला टॉपिक है ना भाई, तो अभी रुक जाओ ठीक है। तो ये मायोपिया वाले को जिसको दूर का नहीं दिखता वो ये वाला लेंस लगाया है, जिसको पास का नहीं दिखता है हाइपरमेट्रोपिया वाला वो कौन सा लेंस लगाता है यार, मतलब अपने मम्मी पापा न्यूज़पेपर टाइम रीड करते टाइम कॉनवेक्स लेंस, बहुत बढ़िया। तो भैया मैग्नीफाइंग ग्लास में कॉनवेक्स लेंस लगता है? हाँ बिल्कुल, अभी यूजेस भी लिखना है भाई, भूलना मत मेरे को बता देना, टॉपिक बचा है वो, यूजेस लिखवाना दोनों लेंस के, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल। पहले बता चुके भैया उसमें कॉनवेक्स लेंस लगता है मैग्नीफाइंग ग्लास में, जल्दी लिखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल फटाफट से। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल ये रहा भाई, लिखो फटाफट से, अ थिन लेंस हैज अ फोकल लेंथ ऑफ -25 सेंटीमीटर, अ थिन लेंस has a focal length of -25 centimeter. What is the power of the lens? चलो जिसका हो जाए हाथ उठाओ भाई फटाक से। हाँ भाई पर बता फाइनल आंसर क्या है? -4 dioptrien. बहुत बढ़िया भाई, है ना, तो अब तो बोर हो गए भाई, क्वेश्चन कर करके माइनस पच्चीस था तो पावर कुछ नहीं, 1/-f, अरे यार ये 25 था तो पहले इसको कन्वर्ट करो तो कितना हो गया भाई ये 0.25 और माइनस साइन, तो बस -0.25, ये पॉइंट हटा 100 हो गया ऊपर भैया 25 4 और बहुत बढ़िया, तो पावर आ गया -4d, सिंपल। स्टार्ट करेंगे आगे, दैट इज द पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस, वही जो तुम्हारे दादाजी लोग लगाते चश्मे जिसमें दोनों दिखते हैं भैया, लेकिन वो वाले लेंस तो बहुत ज्यादा मोटे रहते हैं। अरे तुम उसकी टेंशन नहीं करो भाई, ये देखो भाई ये उनका मिरर दिखता है, अगर तुमने उनके मिरर को ध्यान से देखना, अगर देखा नहीं ये है वाला भाई, ये जो आपने शेड किया वो थोड़ा अंदर घुसा रहता है। हाँ भैया यहाँ पे नीचे रहता है और ऊपर ऐसे रहता है, बिल्कुल सही। तो ये भाई इन लोग ने किया क्या, इन लोग को क्योंकि इनको पता था भाई अब दो दो चश्मे लटका के तो मैं घूमूंगा नहीं, कि मुझे पास का भी देखना तो उसके लिए एक अलग चश्मा, दूर का देखने के लिए अलग चश्मा, तो साइंटिस्ट ने बोला वह सुनो एक अपन काम करते हैं कि अपन इन पावर्स को कंबाइन कर देते हैं, जिसको दूर का नहीं दिख रहा है तो उसको नेगेटिव पावर और जिसको पास का नहीं दिख रहा है उसको पॉजिटिव पावर, दोनों को कंबाइन करते हैं। तो देखो एक अपना लास्ट टॉपिक आ गया पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, जिसमें अपन क्या करेंगे, अपन चाहेंगे कि दूर का भी दिख जाए बंदे को और पास का भी दिख जाए। अब इस सीन में देखो मैं क्या करने वाला हूँ, बहुत ध्यान से समझना, तुम बताओ मान लेता हूं एक पावर है -4d, बताओ ये -4d का क्या मतलब है, बंदे को पास का नहीं दिखता है कि दूर का नहीं दिखता है, कोई बता सकता है? दूर, ध्यान रखना दूर का नहीं दिखता, तो जब भी मैं अपनी पावर बताता हूँ ना मैं ये बताता हूँ भाई मेरा -1.1 कराते तुम लोग, हाँ मान लेता हूँ ये P1 है, एक बंदा है जिसको दूर का नहीं दिख रहा, ठीक है भाई ध्यान रखना आपसे दूर याद में रखना नेगेटिव होना चाहिए, और ये +2d इसका मतलब क्या है, बंदे को पास का नहीं दिखता, तो अब अगर मेरे को इसका ऐसा चश्मा बनाना जो मिक्स हो टोटल हो तो मैं बताए क्या करूंगा, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस लगाऊंगा, और इसका फॉर्मूला क्या है बहुत ध्यान से देखो, P1 + P2। दमदार सा फॉर्मूला है भाई, कॉम्बिनेशन कर रहे है भाई, इसकी टोटल कंबाइंड पावर, तो जो इसका भैया बस ये निकालने दिया रहेगा, बस यही आता है बस, तो भैया कोई देखेगा तो बोल रहा है क्या, लेकिन ये ऐसा भी तो हो सकता है कहो टोटल पावर देते और फिर निकालने का बोले दूसरे पर्सन, तो वो तो अपन कर लेंगे ठीक है भाई, ठीक है
हाँ भाई तो बताओ किसी को डाउट है भाई इस वाली चीज में? आसान है कि टफ है भाई बताएं? पता नहीं कराओगे देखो भाई ये जैसे -70 तो देखो इसका लेंस ऐसा दिखता है, इसका लेंस ऐसा दिखता है, जो पावर P2 है ना उसका लेंस ऐसा दिखता है, और जब तुम्हें कॉम्बिनेशन जब तुम्हें कंबाइन करते हैं ना भाई इन चीज को, तो देखो ये लोग कैसे करेंगे, ये जो तुम्हारा कॉनकेव लेंस है ना ये लोग यहाँ रखेंगे और इसको इसके साथ मर्ज कर देंगे। इसका जो ये लगाता है भैया इमेजिनेशन में भी हाँ भाई सोचो जो जो गैप रहता है जो ऐसा झोंका जो रहता है ऐसा उसमें फंसा देते होंगे ना हाँ उसके अंदर ऐसे सेट कर मतलब एक साइड गड्ढा रहता है एक साइड खुला हुआ होता है हाँ बिल्कुल सही मेरे भाई बिल्कुल सही। ये बताना चाहते कि तुम्हारी बताओ आंख भी तो इतनी सारी लाइट को एब्जॉर्ब कर ले रही है मतलब वो भी कन्वर्ज कर रही मतलब आंख के अंदर भी कोई लेंस घुसा है भैया ये कौन सा उसमें आता है लेंस का। चलो कोई नहीं यार वो सिलेबस से हटा दिया नहीं तो यार बहुत ही मस्त टॉपिक था तो ठीक है ठीक है अपन कर लेते हैं ना नहीं नहीं अपन इतनी पढ़ाई नहीं करेंगे क्योंकि अपन का सिलेबस फास्ट चल रहा है। हाँ भाई चलो भाई जल्दी से लिखेंगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल। टू थिन लेंसेज ऑफ पावर +3.5D एंड -2.5D ठीक है। अगर मान लो तुम मैं एक ऐसी जनरल क्वेश्चन पूछा एक बार रिवीजन के तौर पे बताओ तुम्हारे दादाजी को पास का नहीं दिखता है उनकी कौन सी पावर होती है अगर इन दोनों में 3.5D बिल्कुल सही +3.5D ध्यान में रखना भाई है ना। और जब भी जो चश्मा लगाते हो जिनको दूर का नहीं दिखता तो मेरे भाई जब भी कोई तुमसे पावर पूछे पहले तो पता होना चाहिए भाई पावर क्या है। चलो चलो अपन स्वयं से पूछेंगे। हाँ भाई स्वयं बता टोटल पावर पहले कितनी आई है व्हाट इज द टोटल पावर। हाँ भाई तो सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला लिखना पड़ेगा न्यूमेरिकल के जब क्विज के टाइम आप ये नहीं करोगे ऑब्वियसली तो आपकी फाइनल पावर आएगी +1.0 लिखना जरूरी नहीं है आप चाहो तो लिख सकते हो बाकी 1D इज माय फाइनल आंसर बहुत बड़े। और फोकल लेंथ कितनी है भाई पावर का फॉर्मूला होता है 1/f तो 1/1 मतलब कोई सॉरी ये दिया था 1 तो 1 मीटर ध्यान रखना ऑप्शन में तुम्हें 1 सेंटीमीटर ए ऑप्शन रहेगा ये 100 सेंटीमीटर। हाँ भाई लिखो यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस फटाक से फर्स्ट यूज लिखेंगे स्पीड में कॉन्वेक्स लेंस। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग अ सिंपल कैमरा इट इज यूज्ड इन स्पेक्टिकल्स टू करेक्ट द डिफेक्ट ऑफ विजन और उस डिफेक्ट का नाम है हाइपरमेट्रोपिया। बाय चांस आपको हाइपरमेट्रोपिया याद ना रहे तो आप ये भी बता सकते हो ये उल्टा नाम है भाई ध्यान रखना लॉन्ग साइटेडनेस स्पेलिंग क्या है भाई SIGHT हाइपरमेट्रोपिया ही ठीक है भैया। हाँ भाई या तो इसको आप बोल सकते हाँ भाई भाई इसलिए मैंने उल्टा बोल दिया पहले तो भैया ने उल्टा हाँ ठीक है भाई तो हाइपर मेट्रोपिया ध्यान रखना इसको पास का नहीं दिखता लेकिन इसको बोलते लॉन्ग साइटेडनेस ठीक है। ठीक है तो आपको मैं पहली बता चुका था कॉन्वेक्स लेंस यूज होता है इस विजन को डिफेक्ट को सॉल्व करने डिफेक्ट मतलब आंख की कोई ये विजन मतलब आंख की कोई बीमारी और उस बीमारी को करेक्ट कौन करता है कॉन्वेक्स लेंस और वो बीमारी का नाम क्या है हाइपर मेट्रोपिया ठीक है याद में रखना भाई। नेक्स्ट यूज कॉन्वेक्स लेंस का इट इज यूज एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास ये तुम्हें शायद पहले बता चुका हूं नहीं इट इज यूज इन मेकिंग माइक्रोस्कोप कॉमा टेलीस्कोप और फिल्म प्रोजेक्टर्स। चलो भाई आगे बढ़ेंगे अपन नेक्स्ट लिखेंगे हेडिंग डाल लो यूजेस ऑफ कॉनकेव लेंस इट इज यूज्ड एज स्पेक्टिकल्स to correct the defect of vision ये सब लिखा हुआ है इधर to correct the defect of vision
और अब डिफेक्ट का नाम है मायोपिया। भैया तो इसको शॉर्ट शॉर्ट साइटनेस भी लिख सकते हैं फिर। बिल्कुल सही, या इसका दूसरा नाम है शॉर्ट साइटेडनेस। सेकंड यूज है इट इज यूज्ड एज आई लेंस, इट इज यूज्ड एज आई लेंस। इस टेलीस्कोप का बहुत ज्यादा यूज है। तो एक गैलीलियन टेलीस्कोप करके टेलीस्कोप है, ठीक है, उसमें ऐसा आई लेंस इसको यूज कर। And this is a very important telescope, ठीक है भाई? Next use लिखो, it is used as a wide angle spy hole. It is used as a wide angle spy hole. ये किसी को पता है क्या होता है? इससे दरवाजे door के अंदर से देखते हैं पूरा बाहर दिख जाता है अपन। और अपन को इतनी big picture दिख जाती है, पूरा बंदा इतना छोटा सा हो जाता है।